हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ। मैं वन प्लस 8 प्रो को पिछले 5 से 6 महीने से यूज कर रहा हूँ। मैंने काफी ज्यादा इस फोन में गेमिंग वगैरह भी करी है, BGMI खासकर। और जैसा कि आप लोग अभी जानते हो कि काफी ज्यादा गर्मी हो रखी है हर जगह पे। हमारे सिटी में हमें यहाँ पे 40 से 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर देखने को मिलता है डेली दिन में। और इतनी गर्मी होने के बाद भी गेमिंग करना, गेमिंग में आप लोगों को पता होगा कि फोन काफी ज्यादा हीट होती है। काफी सारे फोन ऐसे हैं जिनमें हीटिंग की इशू भी देखने को मिलती है काफी ज्यादा। तो आज हम जानेंगे कि क्या OnePlus 8 Pro में इतनी गर्मी होने के बाद हमें हीटिंग की इशू देखने को मिलती है या फिर नहीं, हीटिंग की वजह से बैटरी ड्रॉप कैसे हमें देखने को मिलती है, और खासकर इस फोन में हमें कोई परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को मिलता है या फिर नहीं, वो सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी की वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस फोन में हमें कौन सी प्रोसेसर देखने को मिलती है। तो इस फोन में हमें देखने को मिलती है स्नैपड्रैगन का 865 का प्रोसेसर, और ये फोन दो वेरिएंट्स में आते हैं, 8GB रैम के साथ में और 12GB रैम के साथ में। मेरे पास जो है ये 8GB वाला वेरिएंट है। OnePlus 8 Pro के ग्राफिक सेटिंग की बात करें तो इस फोन में हमें स्मूथ में एक्सट्रीम के बाद भी 90 FPS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और HDR में तो एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने को मिलता ही है। प्लस इसमें आप अल्ट्रा HD को भी डाउनलोड करके आप प्ले कर सकते हो। मैं मेरी बात करूं तो मैं सिर्फ स्मूथ प्लस 90 FPS में ही गेमिंग करता हूं इस फोन में, उसके अलावा किसी भी सेटिंग को मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूं। मतलब रियली कि इसमें किसी को यूज कर लिया लाइक HDR एक्सट्रीम को, सिर्फ टेस्टिंग वगैरह के लिए कभी कभार, अदरवाइज मैं सिर्फ स्मूथ प्लस 90 FPS को ही यूज करता हूं। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा स्मूथ प्लस 90 FPS के बारे में ही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस फोन में हमें गेमिंग के दौरान हीटिंग इशू देखने को मिलती है या फिर नहीं। तो सच सच बताऊं तो मुझे इस फोन में हीटिंग की इशू काफी ज्यादा वाली देखने को नहीं मिली है। मतलब भयंकर वाली जो हीटिंग की इशू होती है, जो कि हमें ट्रिपलेट वाले फोन्स में देखने को मिलती थी। लाइक इससे पहले मैं OnePlus 9T को यूज कर रहा था, उसमें हमें ट्रिपलेट का प्रोसेसर देखने को मिलता है, उसमें मुझे खतरनाक वाली हीटिंग की इशू देखने को मिलती जब मैं लॉन्ग टर्म में यूज करता था, लाइक एक घंटे से ज्यादा की गेम प्ले वगैरह करता था, तो उस टाइम पे काफी ज्यादा हीट होती थी फोन। लेकिन उस तरह की हीटिंग की इशू मुझे इस फोन में देखने को नहीं मिली है। हाँ, थोड़ी बहुत वार्म जरूर हो जाती है, हीट होती है, लेकिन एक्सट्रीम हीट जो होती है वो नहीं होती है बिल्कुल भी इस फोन में। चाहे हम एक घंटे के लिए गेमिंग करें या फिर एक घंटे से ज्यादा की दो घंटे तक की भी गेमिंग करें, इस फोन में मुझे उतनी एक्सट्रीम हीट देखने को नहीं मिली है। हीट होती है जिसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं कि हाँ, इतनी हीट तो किसी भी फोन में देखने को हमें मिल ही जाता है। ये नॉर्मल हीट जो है आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट के बाद से ही आपको देखने को मिल जाएगा। लाइक 10 मिनट आप 15 मिनट जब भी खेल लोगे, उसके बाद से ही आपको थोड़ी थोड़ी हीट की महसूस आपको होने लगे कि हाँ, फोन अब हीट होते जा रही है, ऐसा आपको महसूस होने लग जाएगा। और हाँ, जब भी आप गेमिंग करें तो आप कोशिश करें कि बिना केस के ही यूज करें, उससे क्या होगा कि फोन ज्यादा हीट नहीं होगा। तो हीटिंग के बारे में तो मैंने बता दिया कि इस फोन में हमें कितनी हीट देखने को मींस मुझे कितनी हीट देखने को मिली इस फोन में। और हीट होती है तो बैटरी ड्रॉप तो थोड़ी सी ज्यादा ही होगी। जी हाँ, ऐसा है, जहां पर हमें मिलना चाहिए 15% तक की बैटरी ड्रॉप, वहां पर मुझे मिलती है 20 से 22% तक की बैटरी ड्रॉप, वो भी सिर्फ एक घंटे में। तो अगर आप कंटिन्यू एक घंटे की गेमिंग करते हो तो इतनी गर्मी में आपको 20 से 22 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपको 25 तक भी बैटरी ड्रॉप देखने को मिल जाए इस फोन से। वैसे इस फोन में हमें 4500mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें एक डिसेंट बैटरी बैकअप देखने को मिलती है इस फोन से। वैसे ठंडियों में इससे आपको बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगी इस फोन से, गर्मी में थोड़ी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रहती ही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इतनी गर्मी होने के बाद भी फोन में थोड़ी बहुत हीटिंग देखने के बाद भी फोन की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होती है। गेम प्ले जो है एकदम आपको मक्खन की तरह देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा स्मूथ रहती है। 60 FPS तो आपको एकदम चिपक के मिल जाएगी, कहीं भी आपको 58-57 से नीचे आपको देखने को मिलेगी ही नहीं, मोस्टली आपको 60 FPS ही देखने को मिलेगा, उससे नीचे आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्रेम ड्रॉप्स की बात करें या लैग्स की बात करें तो इस फोन में हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। खासकर मुझे तो इस फोन में कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स या फिर लैग्स वगैरह देखने को नहीं मिले हैं। माइनर होते हैं कभी कभी, जिसको आप इजिली इग्नोर भी कर सकते हो। ओवरऑल बता तो मुझे इस फोन की जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो इतनी गर्मी में भी काफी ज्यादा अच्छी लगी है, बिना किसी फ्रेम ड्रॉप, बिना किसी लैग्स वगैरह के काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस हमें देखने को मिल जाता है। तो अब बात आती है कि अगर आप लोग इस फोन को लेने की सोच रहे हो खासकर गेमिंग के लिए, तो क्या आप लोगों को लेना चाहिए या फिर नहीं। तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि हाँ, आप लोगों को इस फोन को गेमिंग के लिए खासकर लेना चाहिए। अगर आप लोग 30 के आसपास फोन लेना चाह रहे हो तो ये फोन आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा प्रोवाइड कर देगा। तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि हाँ, आप OnePlus 8 Pro को ले सकते हो गेमिंग के लिए। आई होप आपको सारा कुछ डिटेल में पता चल गया होगा कि बैटरी ड्रॉप हमें कैसे देखने को मिलती है, फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को मिलते हैं या फिर नहीं, और खासकर हीटिंग की इशू देखने को मिलती है या फिर नहीं, वो भी इतनी गर्मी में। सारा कुछ आपको पता चल गया होगा। अगर आपको पता चल गया होगा और आपको
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आपको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल जाएगा, तो उसे दबाकर आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।